बिनानी सीमेंट के लिए जंग तेज हो गई है। दिवालिया कंपनी बिनानी सीमेंट पर कब्जे को लेकर जंग और तेज हो गई है। एनसीएलटी के कोलकाता बेंच ने बिनानी सीमेंट के क्रेडिटर से कहा कि वो अल्ट्राटेक के रिवाइज्ड ऑफर पर विचार करें और इसके साथ ही अल्ट्राटेक की बोली के बराबर बोली लगाने के लिए एनसीएलटी ने डालमिया भारत को 3 दिन का अब समय दिया है। बिनानी सीमेंट पर कब्जे को लेकर अल्ट्राटेक और भारत डालमिया अब आमने सामने हैं। अल्ट्राटेक ने बिनानी सीमेंट के लिए 7,990 करोड़ रुपए की बोली लगाई जबकि डालमिया भारत ने 6,350 करोड़ रुपए की बोली लगाई और डालमिया भारत ने कैश के साथ इक्विटी का भी प्रस्ताव दिया। तो बिनानी सीमेंट के लिए अल्ट्राटेक की पहली बोली डालमिया भारत की बोली से कम थी और उस वक्त कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने डालमिया भारत के साथ जाने का फैसला ले लिया था। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश सिंह हमारे साथ है। राजेश जी, ये तो साफ पता चलता है कि अब ये बिनानी सीमेंट के लिए जंग तेज होती जा रही है। एनसीएलटी से अल्ट्राटेक को राहत तो मिल गई है लेकिन आगे का रास्ता क्या है? देखिए, जो एनसीएलटी है वो चाहता यह है कि बिनानी सीमेंट के लिए क्रेडिटर्स को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले और इसीलिए उन्होंने क्रेडिटर्स को डायरेक्ट किया है कि एक बार अल्ट्राटेक के जो ऑफर है उसको फिर से देखें और अगर जरूरत पड़े तो डालमिया सीमेंट जो है उसके लिए फिर से ट्रांसपेरेंट रूप में बिड ला सकती है ताकि क्रेडिटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, ऑफर मिले। तो एक तरह से ये अल्ट्राटेक के लिए भी अच्छी खबर है और बिनानी सीमेंट के लिए ऑफकोर्स अच्छी खबर है कि उन्हें ज़्यादा पैसा मिलेगा। और ऐसा एनसीएलटी ने सुप्रीम कोर्ट के जब बिनानी सीमेंट गई थी उसके बाद मामला जब एनसीएलटी में आया तो 24 अप्रैल को ये ऑर्डर जो था वो रिजर्व कर लिया गया था। आज ऑर्डर आया है और ये बोला गया है कि 3 दिन के अंदर में इस पूरे प्रक्रिया को खत्म करना है। जी, बहुत शुक्रिया राजेश जी इस पूरी खबर पर और डिटेल्स के लिए आपका।